गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज मेरे मायके से कौन कौन आया है मैं आपको सभी से मिलवाने वाली हूँ। फिलहाल के लिए एक्चुअली माँ गई हुई हैं मंदिर में और मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न सबके लिए। तो जल्दी से हम फटाक से रेडी कर देते हैं और उसके बाद में देखेंगे, मम्मी वगैरह से पूछेंगे कि क्या खाएंगे सब लोग, तो उसके बाद में हम कुछ और ब्रेकफास्ट बनाएंगे। पर फिलहाल के लिए हम यही जल्दी से कुक करते हैं एंड बनाते हैं गर्मा गर्म टी। कल रात में ना मैं पार्लर से आई थी, वहाँ से आने के बाद देखो मेरा फेस कितना डल डल लग रहा है। एक्चुअली वो क्यों, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई है और रात में, कल रात में ये 1 बजे आए हुए थे घर पे, क्योंकि जहाँ पे फंक्शन है वहाँ पर सारा मैनेज करनी थी सारी चीज़ें, क्योंकि आज फंक्शन है कुछ। तो वो आई थिंक मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल दिन भर का व्लॉग अभी हम यही बनाने वाले हैं एंड अपनी फैमिली मेरी कौन कौन आए हैं उनसे मैं मिलवाने वाली हूँ आप सभी को। और इसके बाद में इवनिंग से जो व्लॉग स्टार्ट करूँगी उसमें जो सरप्राइज होगा वो आपके सामने आ जाएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड आप लोग सबने शेयर करने के लिए। और यहाँ पे ना माँ धूप बत्ती जलाकर चली गई हैं। ये रहा हमारा मंदिर, अभी एक्चुअली माँ गई हुई हैं फैक्ट्री वाले मंदिर पूजा करने के लिए, जो कि वो रोज़ सुबह मॉर्निंग में जाती हैं। तो हमने सोचा सुबह सुबह से पहले मंदिर के दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉर्न बॉईल कर रही हूँ, ऑलमोस्ट बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है चीज़ एंड ये थोड़ा सा बटर, सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो एंड ये वाला चीज़ भी हम डाल सकते हैं। ऑप्शन मैंने अच्छे तरीके से ड्रेन कर लिया है। अभी हमने इसमें कढ़ाई रख दी है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा अभी हम इसको मेल्ट हो जाने देंगे। मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें कॉर्न्स ऐड कर दे रही हूँ सारे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। हमने कटोरी पर चीज लिया हुआ है एंड इसको हम डाल देंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, जब तक ये गर्म होता रहेगा ना तब तक ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो रहा है, अब देखते हैं कैसा बनता है। हमारा स्वीट कॉर्न मतलब चीज़ कॉर्न है वो रेडी हो गया है, तो अभी हम इसको बाउल में डालेंगे। तो गाइस हमारा चीज़ी स्वीट कॉर्न एकदम रेडी है एंड खा के देखती हूँ मैं कैसा बना हुआ है। तुमको कैसा लग रहा है? बात ही जैसी बना, मैं चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा एंड चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो का भी। तो अभी शाम के लिए कपड़े वगैरह डिसाइड कर रहे थे मम्मी वगैरह कि क्यों ने क्या पहनना है, और मेरी सिस्टर भी और सभी लोग अभी शावर लेकर रेडी हो गए। जस्ट मेरे को बस रेडी होना है क्योंकि मैं ऐवी घूम रही हूँ यहाँ पर बैठी हुई हूँ, और थोड़ा सा कुछ काम पेंडिंग रह गया है घर का फर्नीचर का, तो वो भी जस्ट कंप्लीट होने ही वाला। आपको पता है कि लास्ट 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 में आपके कई सारे काम ऐसे छूट जाते हैं, तो बस वो होने वाला है। और अभी आई थिंक टाइम मैं देखा नहीं तो पता नहीं मेरे को, तो मैं जाके जल्दी से रेडी होती हूँ, रेडी होने के बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे रखा हुआ है सारा पूजा का सामान जो कि लगेगा, और ये सारा ही ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि इसको भी पैक करके वापस से डालना है और हमें लेके जाना है इसको। एंड यहाँ पर ना मम्मा कुछ लिस्ट वगैरह बना रही थी कि क्या क्या रह गया है और फिर क्या क्या मंगाना है, तो सारा कुछ सुबह सुबह से जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ इनके लिए जल्दी से फटाक वाली कॉफ़ी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए। और यहाँ पर भी अगेन पूजा की वो जो होती ना वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, ब्रेकफास्ट हमने एक्चुअली मार्केट से मंगा लिए थे, समोसे एंड ड्राई फ्रूट्स, जलेबी, पोहा वगैरह, एंड मम्मी लेके आई हुई थी, देख लीजिए आप, सोहन हलवा बांदा का फेमस। सो सब ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है एंड अभी हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिए। कैसा लग रहा दिखाना? बहुत प्यारा है ना, आप इस चेन के साथ में उसको पहन सकते हैं, पेंडेंट चेन आपके पास में है। मैं जस्ट अभी अभी रेडी हुई हूँ, इतनी जल्दी जल्दी इतने सारे काम निपटाए ना, पूरा ड्राइंग रूम वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है और गेस्ट वगैरह आने वाले हैं और पापा के फ्रेंड भी हैं,
चलो अभी मैं पहले आपको मम्मी और अपनी छोटी बहन से मिलवा देती हूँ, क्योंकि ये लोग सुबह से आए हुए हैं, बट मैं इतना ज्यादा बिजी थी कि मैंने बिल्कुल भी कैमरा नहीं उठाया, और जस्ट अभी मैंने शावर लिया है, रेडी हुए हैं, इनको जस्ट मैंने भेजा हुआ है, अभी पापा वगैरह सब लोग वहाँ पर चले गए हुए हैं, सो सब कुछ आज बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर हमारी मम्मी रेडी हो रही हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे कौन आया है, मम्मी आई हुई है बाना से। मम्मी सबको हेलो बोल दो आप। हेलो। सब लोगों ने मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार दिया था जब आपका ऑपरेशन हुआ था ना, तो बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत प्यार दिया था। मम्मी कैसी हैं? ठीक हैं। अब वो मम्मी एकदम बढ़िया है, हमारे यहाँ फंक्शन इतना बड़ा उनके बच्चों का, तो मम्मी आई हुई है। मम्मी आप क्या कहना चाहोगी आज के डे के लिए जो शाम को होने वाला है, जिस चीज के लिए आप आई हो? बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। मम्मी आपको सूट बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, हमको थोड़ा सा मैचिंग ना, मैंने भी सूट पहना हुआ है, तो अभी मैं पापा से मिलाऊंगी, छोटी सिस्टर से ही मिलाऊंगी। तो यहाँ पे है मेरा ये छोटा भाई, छोटी बहन, हमारी रेडी हो गई है, सुबह से सबसे पहले रेडी हो गई है ना। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत मजा आने वाला, वहां पर चल रहा है सुंदरकांड का पार्ट, तो इसी वजह से पापा वगैरह और सब लोग जल्दी निकल गए हैं। ठीक है, तो हम लोग भी जाएंगे ना, हम लोग भी जल्दी चलते हैं। यार मुझे ऐसे हंसने अच्छे लग रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? मैं तो फोटो नहीं क्लिक कर रही। अभी बहुत दुबी पतली सी हो गई है, मैं मोटी हो गई, पर मेरी भी डाइटिंग चल रही है। नहीं पता है क्या है, मोटे लोगों के सामने ना, मतलब पतले लोगों के सामने ना मैं और मोटी लगती हूँ, वैसे मेरी डाइटिंग चल रही है। मैं वैसे देखो हुई हूँ थोड़ी बहुत पतली की, नहीं हुई हूँ बहुत हो गए हो, और अभी तो मत होना इससे ज्यादा। यार मेरे व्यूअर्स भी यही बोलते हैं कि अभी मत होना इससे ज्यादा। पर यार थोड़ा सा मेरे को आई थिंक 2-3 kg अभी और लूज करना है। म्यूजिक किसने लगा दिया? म्यूजिक इट इज प्राडो, प्राडो स्लीपिंग। अभी मैंने यहाँ पे डाली हुई है बहुत ही प्यारी सी बेडशीट, ये मेरे को बेडशीट बहुत अच्छी लग रही है, देखो कितनी सॉफ्ट है। ओ माय गॉड, इसके साथ भी तो मैच के थे नहीं एक्चुअली, क्योंकि इसका पूरा सेट नहीं था।